नाम पे ऐसे कर रही है। चलो पापा। एक काम के बाद एक काम लगातार रहता है मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। और आज है 11 अक्टूबर, दिन है बुधवार, और बुधवार तो गणेश जी का दिन होता है। और मैं ना 4 साल से बुधवार के दिन गणेश जी को दूध का घास चढ़ाती हूँ। तो मैंने ना दूध घास ले लिया है, जा रही हूँ जल्दी से ऊपर। तो मैं ना इसको धूल के पूजा के बर्तन में रख देती हूँ, थोड़ा सा ना इस पे धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है। तो आदे आप बता दो, आपको कहाँ चोट लगी अभी? नापी पे। नापी पे चोट लग गई ना? ओहो, और कहाँ चोट लगी? बम में। बम? आद्या को चोट लग गई है नैपी पे, और बम में भी चोट लग गई है बाबू को। हे गाइस, तो मुझे मिला है साड़ी चैलेंज। मुझे दिन भर साड़ी पहन के रहना है टिल नाइट तक, और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोग भी हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या मैं ये कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ये साड़ी पहन लिया है और साड़ी पहन के आ गई हूँ, और देखती हूँ कि मैं पूरा दिन साड़ी में रह पाती हूँ। पहले आप ये देखिए कि मैं साड़ी में कैसी लग रही, पूरा देखिए। साड़ी के साथ साथ तुमको गहने भी पहनने हैं, जो भी तुम्हारे पास गहने हैं उसको भी पहन लो, और पूरा साड़ी गहना भी थोड़ा। फिर साड़ी क्या मतलब देखो, इंडिया में लाखों करोड़ों औरतें हैं जो इसी को पहन के पूरा दिन जाऊंगा, यही बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं, गहने भी पहन लो जो भी तुम्हारे पास है। काम करना है ना घर का। नहीं, फिर भी गहने पहन के काम करना है, थोड़ा सा चैलेंज को बढ़ाओ ना। मतलब ऐसे क्या कि सिर्फ साड़ी पहन के मैं सारा दिन टी शर्ट में रहूंगा, मैं सारा दिन शर्ट में रहूंगा। गहने में तो पहनना ही है, ये चेन इससे नहीं। मतलब तो क्या पहनूं मैं? पूरा जो भी तुम्हारे पास हार वार है सब पहन लो, अगर है तो, नहीं है तो फिर मतलब रहने दो। हाँ तो वही चैलेंज है ना। आज साड़ी चैलेंज है, ऐसे मैं गहने का भी कोशिश करूंगी पहन के रहने का। मैं पूजा भी साड़ी में ही कर रही हूँ, सूर्य भगवान को जल देने जा रही हूँ। और कैसा जा रहा आपका चैलेंज आज? कैसा जा रहा चैलेंज? जा रहा है, बस जा रहा है। क्या हुआ आद्या? हाँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो ये मेरा दाल धुल रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ लौकी दाल, लौकी वाली दाल तड़का, मतलब दाल वाली लौकी। मैं इसको कुकर में बैठा के ना आद्या को दूध पिलाएंगे। जब तक दूध पिलाएंगे तब तक मेरा दाल पक जाएगा, दाल का बस मारना रहेगा तो मैं मार लूंगी उसको। पिला मैं खाने में ना खाना जो बनाती हूँ उसमें भी मैं आरओ का पानी यूज करती हूँ। वाओ, क्या कमाल करती हो तुम। बैठ के खेलो, आराम से बैठ के खेलो। और टॉम का मुंह धुलना है, टॉम का। टॉम की मम्मा नहीं है ना? उसकी मम्मा नहीं है, टॉम की मम्मा। टॉम कहाँ है? टेबल पे है। ये क्या कर रहे हैं? चावल खाली कर रहे हैं। तो उसको धो नहीं का फोन बोल रहे थे, तो उसको गंदा दिखा था क्या? ये देखो नहीं, थोड़ा सा गंदा। अच्छा ये ढक्कन ना, तो ढक्कन तो ढक्कन इसे डाल देते हैं, धुल जाएगा। टाइम टाइम पर धुलता भी रहेगा ना, साफ सफाई। आटा भी है ना? आटा भी नहीं डालना, आटा तो है। बाबू अब ना तुम पीटी खाओगी।
तुमको चलो दूध पिलाएंगे, चलो। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ओ ओ क्या हो गया बाबू, दूध दूध के नाम पे ऐसे कर रही है। ओ, 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 ओ। ए? चलो पापा, कहाँ चलना है? नहीं इसको नहीं ले जाइए। क्यों? इसका कोई मन का काम नहीं करना है। बाटल खोलो, गहने नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि कभी और कर लेंगे गहने। एक तो साड़ी ही हेवी होती है और गहने ऊपर से पहन लेंगे और बच्चे को भी संभालना है तो और मतलब नहीं चल पाएंगे। तो मैं गहने चैलेंज कभी और करूंगी, आज बस साड़ी चैलेंज ही रहने देते हैं। आधे जाओ मसाज करवा लो पापा से। धना आओ, धना आ जाओ। तो मैंने सक्सेसफुली लंच तो बना लिया है साड़ी में, सारा किचन का काम मैंने साड़ी में ही किया है, इवन आपको दिखाए हैं पूजा भी साड़ी में ही किया है। अब देखते हैं दोपहर के बाद का क्या हाल होता है। तो बाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो आद्य यहाँ पे नहा के आ चुकी है, तो मैं साड़ी में ही आद्य को खाना भी खिलाने जा रही हूँ लंच के बाद। ना बेटा, मम्मा क्या पहनी है? साड़ी। मम्मा की साड़ी कैसी है? साड़ी कैसी है बेटा? तो मैं यहाँ पे ना पितृ लोग को खाना निकाल दी हूँ खाने के पहले, लंच का टाइम हमारा हो चुका है तो उसके पहले हम खाना देते हैं डेली डेली, और दो चार दिन रह गया है पितृपक्ष खत्म होने में। तो आद्या को भी मैंने सुला दिया है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो मैं रखा हूँ खाना, क्या चाहिए? अब जाना है तो जाओ, मतलब या दो मैं लेके जाता हूँ। मैं खाती हूँ, हाथ को कर ही दी। दक्षिण की तरफ ना? हाँ उसी तरफ, ये दक्षिण है। हाँ ये रख दिया है खाना छत पे। अध्या पापा को बताओ। क्या बोलो बोलो। बम में कुछ हुआ है। तो बज गया है 4 शाम को और मैं अभी तक सुबह से साड़ी पहन के हूँ। मैं बहुत अपनी जो क्या कहते हैं चैलेंज को ईमानदारी पूर्वक कर रही हूँ। अब उसके लिए आप क्या करते हैं? चलो कहीं सीटों पीछे तो नहीं है, देख लो, मतलब ब्रेक दबा लो, क्लच दबा लो, बस देखे तो पहले वो जो कपड़ा है उसको देखिए ब्रेक से दबा रहा है। चलिए हो गया, ठीक है स्टार्ट करिए। हो गई। ये 2 kg पूरा उठा के लाई है वहां से यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। कहाँ से लाए थे? उसी के फल वाला। तो ना मैं ये कपड़े शाम को फैला रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया पूरे दिन, बहुत बिजी लाइफ चल रही है, बहुत ज्यादा बिजी।
क्या बताऊं, एक के काम, एक काम के बाद एक काम लगता रहता है मुझे। मतलब ना बताएं कम है, सुबह से उठती हूँ रात तक मुझे बाद मतलब 1:30 बजे तक काम ही काम रहता है, काम ही काम रहता है। तो इसीलिए मैं नहीं फैला पाई। पर ये क्या हुआ, आ रहे हैं वो, नीचे काम लगा हुआ है ना, तो वही आए हैं, पानी मांग रहे हैं। बोल दो कि आ रहे हैं। तो 6:30 हो चुका है और मैं अभी भी साड़ी नहीं खोली हूँ, और साड़ी में ही मैंने सुबह से सारा काम किया है, और आद्या को भी खिला रही हूँ अभी शाम को। अभी मुझे रात तक रहना है साड़ी में ही, सोने तक। मुझे याद नहीं है कि मैं इतना मतलब कितने सालों बाद मैं पूरे दिन साड़ी पहन के आज रही हूँ, मतलब बहुत साल हो गया। मम्मा की उंगली सड़ गई। आधा सीट कम हियर यस गुड बेबी। मम्मा को किसी दो। मीठा आओ मजा। मम्मा बेटा नोज पे किसी दे दो। अब बिंदी को। आई को। अब आई को। मीठा बेटा। अब रात को 10 बज चुका है और हमारा डिनर कब का हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक रात को 10 बजे तक हमने साड़ी में ही सारा एक्टिविटी की हूँ। इवन मैंने ड्राइव भी साड़ी में ही की हूँ, और मैंने अपने चैलेंज को बहुत ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करी हूँ। मैंने कहीं भी चीट नहीं करी हूँ। मैंने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था उसको मैं बहुत अच्छे से करी हूँ। और एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये ना आदत की बात होती है। अगर आप सूट पहन रहे हो या लोअर टी शर्ट घर में पहन रहे हो तो उसकी आदत लग जाती है, वैसे ही साड़ी की भी आदत है। अगर आपकी आदत अगर साड़ी में लग जाए तो साड़ी में भी कम्फर्टेबल लगने लगेगा। बट हम यही सोच के साड़ी नहीं पहनते हैं कि हेवी है, नहीं रह पाएंगे। तो जैसा सोचते हैं ना वैसा ही माइंड में सेटअप भी हो जाता है, तो नहीं ही रह पाते हैं। मैं आज मॉर्निंग में ही माइंड को सेटअप कर ली थी कि मुझे पूरा दिन रात तक साड़ी ही पहन के रहना है, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मुझे साड़ी भारी लग रही है। बस एक माइंड सेटअप की बात होती है, तो और आदत की भी बात होती है। जिस चीज़ की जैसे आदत हम लगाते हैं वैसे ही आदत पड़ जाती है। तो मैं वीडियो को ना यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।